कलर ब्यूटिफुल विद इन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ प्रोडक्ट रिव्यू ऑफ एन ऑनियन ऑयल। बहुत टाइम से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स कह रहे थे कि मैम एक ऑनियन ऑयल के बारे में बात करें, तो ऑनियन ऑयल के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत सारी बातें करी हुई अपनी चैनल पे। फ्रेंड्स, पूरी प्लेलिस्ट है मेरी हेयर ऑयल के रिलेटेड, आप चेक कर लेना, लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो सारे ऑनियन ऑयल के बारे में मैंने बात करी है, रेड एंड सिल्क के साथ, जिंजर के साथ एंड ऑल। बट आई रिसेंटली केम अक्रॉस एन ऑनियन ऑयल विथ मेथी सीड्स एक्सट्रैक्ट, फेनुग्रीक जो हम कहते हैं मेथी। और आप लोगों को पता ही है फ्रेंड्स, मेथी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। सो व्हेन आई केम अक्रॉस दिस वन, आई वांटेड टू टेक इट फॉर माई सेल्फ और रिजल्ट देखना था। मैंने ट्राई किया एंड आज मैं आपको पूरा प्रोडक्ट रिव्यू देने वाली हूँ। जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ वो है बॉडी क्यूपिड के रेड ऑनियन एंड फेनुग्रीक हेयर ऑयल के बारे में। इस तरह के पैकेजिंग में आता है कुछ एंड इट्स क्वाइट अ बिग बॉटल, 200 ml की बॉटल है। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, डार्क ब्लू कलर की प्लास्टिक बॉटल है एंड आपको एक पंप पैकेजिंग के साथ मिलता है। 200 ml इज कॉस्टिंग ₹599। फ्रेंड्स, बॉडी क्यूपिड एक बहुत ही अमेजिंग ब्रांड है। इट इज़ SLS फ्री, मिनरल ऑयल फ्री, पैराबिन फ्री, सारी जो चीज़ें होती है क्रुएल्टी फ्री वगैरह सभी कुछ इसमें मिलेगा आपको। कंप्लीटली ऑर्गेनिक ब्रांड है एंड इसमें जो एक्सट्रैक्ट है वो रेड ऑनियन सीड ऑयल एक्सट्रैक्ट डाला गया है एंड फेनुग्रीक सीड एक्सट्रैक्ट डाला है इसमें। ये इसके स्टार्टिंग पैकेजिंग पे है। सो ये दो मेजर इंग्रेडिएंट्स है इस ऑयल में और इसके अंदर बहुत सारे अदर टाइप ऑफ ऑयल्स भी डाले गए हैं जो आपको पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट में मिलते हैं, जो मैं आपको बता दूं। पहले तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, देन यू हैव स्वीट आलमंड ऑयल, यू हैव मोरक्कन आर्गन ऑयल, ग्रेप सीड ऑयल, कैस्टर ऑयल, जोजोबा ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड देन दिस जो दो मेजर इंग्रेडिएंट मैंने बताया वो है एंड विटामिन ई भी है इसमें। ऑनियन ऑयल मेरा सबसे फेवरेट इंग्रेडिएंट है एंड ऑल्सो कि ये भी कह दूँ कि फास्टर ग्रोथ यू नो प्रमोट करता है ऑनियन का एक्सट्रैक्ट, और साथ ही में इसमें मेथी डाला है तो ये बहुत ही अच्छी तरह से आपके बालों के ऊपर वर्क करता है। इवन द प्लेसेस वेर यू हैव एलोपेशिया प्रॉब्लम, गंजेपन की जहाँ पे प्रॉब्लम है, जहाँ से बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, वहाँ पे आप इस ऑयल को लगा सकते हो। ऑल्सो कि ये डैंड्रफ को बहुत अच्छी तरह से फाइट कर रहा है, मैंने ये भी देखा कि मेथी के वजह से एंड ऑल्सो इसके अंदर जो ग्रेप सीड ऑयल है एंड आलमंड ऑयल है और बहुत सारे ऑयल्स का मिक्सचर है, लेकिन ये दो जो मेजर इंग्रेडिएंट है ये आपके डैंड्रफ को भी फाइट करता है। फ्रेंड्स, ऑल्सो कि कह दूँ इसमें कैस्टर ऑयल डाला गया है जो आपके बालों को ग्रोथ तो प्रमोट करता ही है, साथ ही में नो वॉल्यूम भी बूस्ट करता है आपके बालों में। मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा है फ्रेंड्स, रिजल्ट काफ़ी अच्छा है इसका। इसका जो टेक्सचर है बहुत ही ज़्यादा लाइट येलोइश, बहुत ही क्रीमिश येलो कलर का टेक्सचर है एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस ऑयल कंपैरेटिव टू अगर मैं दूसरे ऑनियन ऑयल के साथ इसको कंपेयर करूँ जो मैंने यूज़ किए हैं, आई फाउंड इट सो लाइट। आई मीन दिस इज़ द लाइट, सबसे लाइटेस्ट कह सकती हूँ मैं अभी तक का, इतना लाइट टेक्सचर है ना। और जब इसको आप पंप करते हो ना डायरेक्टली, एक पंप पैकेजिंग है तो आप डायरेक्टली इसको पंप कर सकते हो। आई लाइक टू यूज़ इट लाइक दैट, क्योंकि अगर आपको हाथ पे लेके लगाना है तो आप लगा सकते हो, बट आई जस्ट पंप इट टू द प्लेसेस वेयर आई वांट द एक्सट्रैक्ट टू गो एंड देन आई लाइक यू नो मसाज इट विद माय फिंगर टिप्स। तो जैसे इसका पंप आपके स्कैल्प पे गिरता है ना, आपको एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, टिंगलिंग सी फीलिंग आती है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है इसके बारे में। एंड लाइक यू नो इट सीप्स इनटू योर हेयर स्कैल्प वेरी नाइसली बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सचर, बहुत ही अल्ट्रा लाइट वेटेड है और आपको बिल्कुल ही सिर पे हैवी सा फील नहीं करवाता है। इवन आई हैव यूज सो मेनी पंप्स ऑन माई हेड, स्टिल आई फेल्ट इट्स वेरी नॉन स्टिकी, ऑयल जैसा लगता है बट बिल्कुल आपके हेड पे हैवीनेस फील नहीं करवाता है। अल्ट्रा लाइट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने इसको लगा के अच्छी खासी चंपी करने के बाद जब नेक्स्ट मॉर्निंग वॉश किया ना फ्रेंड्स, ओनली इन द फर्स्ट वॉश मेरे शैम्पू के साथ ये आउट ऑफ माई हेयर था। सो दैट्स आई एम सेइंग इट्स नॉट वेरी ग्रीसी कि आपको दो पंप लगे शैम्पू के उसको निकालने के लिए। सो कैस्टर ऑयल भी डाला गया है, फिर भी ये बहुत ही लाइट वेटेड है एंड मुझे इसका फ्रेग्रेंस अच्छा लगा। इसका जो काम करने का तरीका है, जो वर्क कर रहा है हमारे मेरे बालों पे और मेरे घर वालों के ऊपर, बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पे मैं आपको पिक इंसर्ट कर दूंगी, मैंने अपनी मम्मा को यूज़ किया, मैं मम्मा आई थी घर पे तो उनको जहाँ पे भी प्रॉब्लम था वहाँ पे मैंने उनको मसाज करके दिया। शी थरली लव्ड इट, द फ्रेग्रेंस दैट अरोमा और जो वार्म्थ मिल रहा था मसाज के साथ उसको बहुत अच्छा लगा एंड शी रियली लाइक द रिजल्ट। सो मैं आपको वही दिखा रही हूँ, मैं अपने खुद के बालों पे भी लगा रही हूँ, मेरे घर पे सभी इसको यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ द टेक्सचर इट्स वेरी लाइट ऑन द हेड, डजेंट फील हैवी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मसाज के हिसाब से आप हफ्ते में 2 या 3 बार इसको यूज़ कर सकोगे। सो या दिस वॉज इट अबाउट द थिंग्स, वीक एंड डैमेज बालों की प्रॉब्लम या थिनिंग हेयर की प्रॉब्लम है, आप इसे यूज़ कर सकते हो, रिवाइव कर सकते हो अपने बालों को। इट्स 100% कोल्ड प्रेस्ड ऑयल से बना हुआ है फ्रेंड्स, जो भी मैंने ऑयल्स आपको बताए 100% कोल्ड प्रेस्ड है एंड इट गिव्स योर हेयर एंड स्कैल्प इंटेंसिव केयर टू रिड्यूस द हेयर फॉल एंड थिकन योर हेयर एंड इंक्रीज द ग्लॉस।
विथ एवरी पावर टू नरिश। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पैकेजिंग अच्छी है, प्राइस रेंज अच्छी है। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे दूंगी कि अभी अमेजोन पे कौन सी प्राइस पे चल रहा है। प्राइसेस काफ़ी ड्रॉप होती रहती है, तो आप इसको तभी परचेज कर ले। आई एम श्योर यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग दिस ऑयल फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसे लेते हो, अगर आप इसे यूज़ करते हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताना कि आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा। मुझे ये बहुत अच्छा लगा है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर किया है। आई होप आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो फ्रेंड्स। अगर अच्छी लगी है तो आपको करना है लाइक इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ऑल्सो मेरे चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ बात करें, रिकमेंड करें इस चैनल के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो थरली बहुत अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो जाने से पहले बिल्कुल भूलना नहीं है सब्सक्राइब करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही में छोटी सी बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ सुपर सून अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना और हमेशा हंसते रहना।